Hey, good morning. New day, new beginning. और आज यूनिवर्सल स्टूडियोज आने का प्रोग्राम है. क्वेश्चन इज द सेम, क्या हम टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि हम लोग रोज लेट हो जाते हैं यार. कहीं भी जाते हैं हम लोग, 8 बजे का टाइम रखते हैं तो भी 3 बजे पहुंचते हैं, 10 बजे का टाइम रखते हैं तो भी 3 बजे पहुंचते हैं, 3 बजे का टाइम रखते हैं तो भी 3 बजे तो नहीं पहुंचते हैं. हमने 3 बजे का टाइम तो कभी कभी रखा नहीं है. लेकिन अब बहुत टायरिंग हो जाता है यार. मेट्रो से ट्रेवल करेंगे आप तो मेट्रो में एक मेट्रो चेंज कर, रेड लाइन चेंज कर, ब्लू लाइन चेंज कर, ग्रीन लाइन चेंज कर, पर्पल लाइन चेंज कर, देर आर सो मैनी लाइन्स. खैर वो चेंज करो. और बसेस तो बाय गॉड द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस विद बस. मतलब बस के साथ एक्सपीरियंस बुरा नहीं है, लेकिन हुआ क्या, हमें 5 मिनट का रूट था हमारा और हमें वो वहाँ उस जगह पे 5 मिनट, जैसे मर्लिन पार्क हमारे होटल से 5 मिनट्स का डिस्टेंस है तो हमें 5 मिनट में पहुंच जाना था. अरे भाई हम बस में बैठ गए, इट टुक 58 मिनट्स टू रीच देयर. और बाद में वहां पर पहुंच के पता चला कि हमारे होटल से वो सिर्फ 5 मिनट है. ये तो मुझे एक्चुअली लग रहा था जैसे वो दिल्ली के ऑटो वाले होते हैं ना, जो अगर आप सीपी में खड़े हो तो सीपी का गोल चक्कर घुमा के आपको कहेंगे कि हाँ जी मैं आपको सीपी ले आया. मुझे एक्चुअली वो वाली फीलिंग आ रही थी. और मतलब लिटरली यार, अगर बस वहाँ जाती है या इतना टाइम लेती है या कुछ भी है तो आप बता दो ना यार. एक तो इनको समझना इज वे टू डिफिकल्ट. आपको उन मतलब कभी कभी ऐसे लगता है जैसे उनको आपकी समझ नहीं आती, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे वो आपको समझना ही नहीं चाहते. अ फ्यू पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आंसर करते हैं आपके किसी भी क्वेरीज का. और कुछ इतने रूड हैं कि मतलब, खैर वो तो आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते, सारे लोगों को एक साथ वी कैन नॉट जज. बट यस, कुछ तो है, मतलब एटलीस्ट कुछ तो फर्क है. ये नहीं है ना कि सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, एटलीस्ट बाहर आए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं. पता है लेग्स की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, पैरों में इतना दर्द है, इतना दर्द है लेग्स में, इतना सारा दर्द है, लेकिन फिर भी कुछ तो है, कुछ तो अच्छा लग रहा है. और मज़ा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. फैमिली टाइम बहुत कम मिलता है. बेसिकली सब अपने अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं, फैमिली टाइम मिलता ही नहीं है. लेकिन हाँ फैमिली टाइम तो मिल रहा है और अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है. कुछ अभी तक एक्चुअली ना 3 4 दिन में कुछ खास किया नहीं है. जहाँ पे भी जाते हैं बच्चे तो इतने बोर हो गए हैं. बच्चे कह रहे हैं क्या हम मतलब ज्योग्राफिकल फील्ड ट्रिप पर आए हैं क्या? आप हमें ज्योग्राफी फील्ड ट्रिप करवा रहे हो, यहीं पर ही घुमाते जा रहे हो, कभी पेड़ पौधे दिखा रहे हो, कभी जानवर दिखा रहे हो. तो वो इतने परेशान हो चुके हैं, कह रहे हैं अब हमें कुछ करना है. तो हमने अभी ये सोचा है कि क्लास के जो 2 3 दिन हैं ये बच्चों के नाम पर हैं, तो हम सेंटोसा जाएंगे, मतलब यूनिवर्सल जा रहे हैं. आज हमारी बुकिंग्स हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, तो अब वहाँ पर जाके बस इंजॉय करना है. करेंगे ना, तो स्टे ट्यून, बाय बाय. और ये देखो, जिंदगी बर्बाद हो गया, हर कोई मोबाइल में खो गया. मतलब एक बंदा नहीं नजर आएगा जो मोबाइल पे ना हो. और भाई साहब इसका तो लेवल ही अलग है. ये देखो, गर्लफ्रेंड बाहों में है और ये साला मोबाइल पर है. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज. हेयर इट इज, सेंटोसा आइलैंड. 6 मिनट की राइड थी सेंटोसा एक्सप्रेस से किया है और अब अंदर जाएंगे. मूव कर रहा है ये देखो. और ये है एंट्रेंस इसकी, यूनिवर्सल स्टूडियोज की.
यूनिवर्सल स्टोर है यहाँ पर। अब बाकी का मैं इंजॉय करते हुए जो भी हो जाएगा तो मैं बना दूंगी। सीजेम इज सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्पेगेटी स्पेस चेज। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इतनी स्पीड पे है और ये अंदर लेकर जाएगी और इनको अंदर का क्या व्यू रहता है वो तो अंदर ही पता चलेगा। इतनी लंबी लाइन है कि राइड लेने से पहले ही मूड ही खराब हो जाए। ओ भाई साहब, टोटल पैसा वसूल राइड थी, मज़ा आ गया। अब हम जा रहे हैं रिवेंज ऑफ द मम्मी देखने के लिए, तो ये देखकर मैं बताऊंगी कैसी थी। दिस इज फेरी वर्ल्ड। रिवेंज ऑफ द मम्मी भी माइंड ब्लोइंग राइड थी। उसके बाद अभी जब हम ये फेरी वर्ल्ड में आए हैं, मतलब ये लग रहा है कि हम किसी और दुनिया में ही आ गए हैं, वही परियों की दुनिया में आ चुके हैं। तो बहुत बहुत मज़ेदार जगह है। ये अंदर का व्यू है कि जहाँ पे हॉलीवुड लिखा हुआ है और इसके ऊपर ना ये मेट्रो स्टेशन है, जो सेंटोसा एक्सप्रेस आती है वो यहाँ से आती है। और ये सारे ना स्टोर्स बने हुए हैं। बेसिकली हमने जो भी पॉइंट्स वो हुए थे ना, कूपन्स जो थे हमारे, क्योंकि हमारी ऑनलाइन टिकट थी, तो वो हम ये जो आसपास के स्टोर्स हैं यहाँ से हम उनको रिडीम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको वैसे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर और कौन कौन सी राइड्स हैं। एक जुरासिक पार्क की राइड है, वो भी बहुत मस्त है। यहाँ पर ये वाली फेरी वर्ल्ड में भी जो राइड्स हैं ना, बहुत बहुत अच्छी हैं। मतलब यहाँ पर आना एक्चुअली पैसा वसूल है। इंबिया बीच स्टेशन है, यहाँ पर हम सीधा यूनिवर्सल स्टूडियोज से आए हैं। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में तो मन ही नहीं भरा अभी भी, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे हम आए हैं अभी पेट पूजा, फिर काम दूजा। आज हम फाइनली बीच पर आ गए हैं। वाइट सैंड बीच ओवर हियर, लवली वेदर। यहाँ पे एक ल्यूज सेंटर है, वहाँ पर हम ये ल्यूज राइड कर रहे हैं, जा रहे हैं, हेलमेट्स डाला है। और इस राइड में एक्चुअली इतना मज़ा आया कि मतलब बच्चे तो बच्चे, बड़ों ने भी बहुत बहुत इंजॉय किया इसमें। और आई होप आई एम कमिंग टुमारो एज वेल। दिस इज स्काई राइड और बहुत मज़ा आ रहा है। लूज से हम पहले नीचे गए थे, लूज राइड से, उसके बाद हम स्काई राइड पर ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से मतलब नीचे जा रहे हैं वापस, और हमारी एक और राइड मिलेगी हमें वापस लूज की, और उसके बाद वापस ये मिलेगी। थोड़ी बोरिंग है बिकॉज बहुत स्लो चलती है, तो थोड़ा सा बोरिंग है। इट्स लाइक केबल कार ओनली, केबल कार कर लो, ये कर लो, एक ही चीज़ है। लेकिन व्यू इज़ माइंड ब्लोइंग, लाइक पैनोरामिक व्यू है। अगर आपको सिंगापुर देखना है तो यू कैन सी द होल सिंगापुर फ्रॉम हियर। तो आई जस्ट गिव यू अ व्यू फ्रॉम दिस साइड। वो सी देख सकते हो, जस्ट लुक दैट, इट्स ब्यूटीफुल व्यू। तो जैसा कि हर एक सफ़र अपने साथ ख़त्म होने की तारीख लेकर आता है, हमारा ये सफ़र भी ख़त्म हो गया कुछ बहुत अच्छी खट्टी मीठी यादों के साथ, गोइंग बैक टू इंडिया। लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख कर जा रहे हैं, जैसे लाइन में खड़े होना है, कूड़ा सड़कों पर नहीं फेंकना है, अपने टर्न की वेट करनी है। पता, लोग कहते हैं इंडिया में ये कमी है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा। यार, इंडिया ऐसा वैसा नहीं है। इंडियंस जो भी है वो इंडियंस है, इंडिया को इंडियंस ही बनाते हैं। तो मैं आप सब से एज एन इंडियन ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ,
पहले हम हर एक को अपने आप को सुधारेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे को कुछ कह पाएंगे। तो आज से ही अपने टर्न की वेट कीजिए, लाइन में लगिए, कूड़ा सड़कों पर मत फेंकिए, पुलिस के डर से नहीं अपने देश की इज्जत से ये काम कीजिए, अपने देश की इज्जत के लिए काम कीजिए। वापस इंडिया में लैंड होते ही ये एक फीलिंग आई कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। पंछी कहीं भी हो अपने घोंसले में ही सुकून मिलता है। बहुत सारी यादें बटोरी हैं और उनकी उनमें से कुछ यादें आपके साथ एक छोटी सी वीडियो के जरिए शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएंगी। जल्दी ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। बाय बाय। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change. Inside of me, in this desert, I can't.